बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ अमेजिंग आउटफिट लेकर के। सारे ही यहाँ मैं आपके लिए पार्टी वेयर या फेस्टिव वेयर आउटफिट लेकर के आई हूँ। सो जो कहीं भी मेरे चैनल पे नए हो, सो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड जो कोई मेरे चैनल पे नए हो, सो प्लीज़ सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेरा इंस्टा आईडी मेरे चैनल के नाम से है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हाइट 5.5 एंड मोस्टली सारे ही ब्रांड में मैंने एल साइज़ का पहनती हूँ कपड़े। एंड इस वक्त जो मैंने ब्यूटीफुल सा आउटफिट पहन के रखा हुआ है, ये ब्रांड इंडियन विरासत से है एंड अमेजिंग आउटफिट है। बहुत ही प्रिटी है, ये वाइट अनारकली है एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है। एंड जो मैंने ज्वेलरी वेयर करके रखा हुआ है, ये मेरे ने मीसो से परचेज़ किया था। मैं कोड नीचे छोड़ दूंगी, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहला आउटफिट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर सा है और पार्टी वेयर ही आउटफिट है। एंड अभी जो भी फेस्टिवल्स आ रहा हो ना, आप उनमें से किसी भी ओकेजन पर इसे इजली स्टाइल कर सकते हो। सो कलर बहुत ही प्यारा है, आप सबने देख भी रखा होगा, मैं थोड़ी लेट हो गई, सो सॉरी। सो ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पे सिल्क का कुर्ता मिलने वाला है, ब्रांड जिनासा से है। एंड सिल्क मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, टेक्सचर को सिल्क जैसा ही है, आप इसे ना पॉलिस्टर बोल सकते हो, सिंथेटिक जो होता है कुछ उस तरीके का है। बट ये सुनते से दिमाग में मत फिक्स कर लेना कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने वाला है, ये काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक है एंड काफ़ी लाइट वेट एंड काफ़ी फ्लोई है एंड खूबसूरत हो ये वाकई है, बहुत ही सुंदर है। एंड अगेन बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स लड़कियाँ होती हैं या आजकल इंडियन वेयर बहुत ही कम पहनने में आता है, सो अगर आप कभी स्पेशल ओकेज़न के लिए सिर्फ कुछ परचेस करना चाहते हो ना, फिर आप ये वाला आउटफिट 100% बाई कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट इसका डिज़ाइन, पैटर्न, कलर सबके सब ये फेस्टिव के अकॉर्डिंग ही है, अप्रोप्रिएट जाएगा, आप किसी भी ऐसे ओकेज़न पर ईजिली से स्टाइल कर सकते हो। देन ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है एंड काफ़ी बढ़िया भी है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले इसका कलर मैं बता दूँ, ये ब्लू में आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको ना सेल्फ स्ट्राइप्स भी मिलने वाला है। ब्लू ही कलर के आपको ना इस पर स्ट्राइप्स मिल जाएंगे एंड ऑल ओवर कुर्ते पे आपको ना इस तरीके का ये फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा। कलर देख लो, बहुत ही प्यारा है, ब्लू के साथ उन्होंने रेड एंड स्काई कलर का जो कॉम्बिनेशन रखा है, अमेजिंग है। नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा सा राउंड नेक लाइन मिलने वाला है, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट पैक नेक ही है। सो आपको स्टाइल करते समय भी ना बहुत ज़्यादा परेशान होने जैसा नहीं है कि इसके साथ नेक पीस क्या पहनना है, क्या इसके साथ अच्छा लगेगा, बस ये कुर्ता पहन लो एंड कुछ स्टेटमेंट ईयर रिंग डाल लो। एंड जिसका नेक लाइन है उस पर आपको यहाँ पे बहुत ही प्रिटी यहाँ पे ना आपको वर्क मिलने वाला है, हैंड वर्क है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर जो ना उन्होंने ना रेड बीट्स का यूज़ किया है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड इसको बहुत ही खूबसूरत मतलब बना रहा है ये, बहुत ही प्रिटी मुझे लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। एंड थोड़ा सा जो है ये फैब्रिक ना सी थ्रू है, बहुत स्लाइट सा है, कलर डार्क है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अंदर कुछ स्लिप ऑन वगैरह वेयर कर सकते हो। ये आपको कट स्लीव्स में मिल जाएगा, स्लीवलेस है एंड इसके साथ स्लीव्स वगैरह उन्होंने नहीं करवाया है। एंड नीचे आते हुए आपको इस तरीके का फ्लेयर मिलेगा, ये प्रॉपर जो अनारकली होता है ना, जो कट्स में होते हैं अनारकली, वो वाला है, तो बहुत ही सुंदर है, डिसेंट है एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ज़्यादा अच्छे से आप ट्राई ऑन में देख के समझ पा रहे होंगे। एंड ऑल ओवर कुर्ते पे आपको यही प्रिंट मिलने वाला है, फ्लेयर देख लो, फ्लेयर आपको अच्छी मिल रही है एंड बहुत ही लाइट वेट एंड बहुत ही डिसेंट सा है, बैक से कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड आपको पहनने में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि फ्रंट पे उन्होंने एक बटन दिया है जिसे आप ओपन करके वेयर कर सकते हो। सो बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड अमेजिंग आउटफिट है। ये थ्री पीस सेट के साथ आया है, तो इसका हम बॉटम देख लेते हैं। इसका बॉटम मुझे प्लाजो रिसीव हुआ है एंड इसका बॉटम भी बहुत ही अच्छा है। एक तो इस तरीके के सॉलिड कलर का है ना, तो आप मिक्स एंड मैच में ईजिली जाएगा एंड काफ़ी अच्छे से जाएगा। एंड इसका फैब्रिक भी ना कुछ वैसा ही है, बट इसके फैब्रिक और उसके फैब्रिक में अंतर है, ये थोड़ा सा थिक है। कुर्ते का फैब्रिक जो है थोड़ा सा लाइट है एंड थोड़ा सा थिन है, कंफर्टेबल है, बट ये थोड़ा सा थिक साइड पे है जो कि बॉटम में होना चाहिए। बॉटम थोड़ा सा थिक फैब्रिक का होता है ना तो ज़्यादा अच्छा होता है एंड अमेजिंग है। फर्स्ट मैं बता दूं कि ये ना इस पर आपको बोथ साइड्स पे इस तरीके का बैंड मिल जाएगा, ड्रॉ स्टिंग भी मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड जो इसकी बेस्ट पार्ट मुझे लग रही है ना, एंड वाओ जो लग रहा है मुझे, ये आपको ना इस तरीके के लेयर्स वाला मिल रहा है एंड शायद इसमें पॉकेट है, नो पॉकेट्स नहीं है, आपको ये ना इस तरीके के ना
मतलब पीसेज में कट होके जो बनते हैं ना, जैसे कुर्ते में नारकली में जो होता है ना इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम में भी किया गया है। एंड बहुत सारे बहुत ही अच्छा नीचे आते हुए देख लो, इतना फ्लेयर है, कलर बहुत ही सुंदर है। एंड वेयर करने के बाद ना ये प्लाजो कम और स्कर्ट जैसा लुक देगा। सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है ये आउटफिट। मैं बहुत ज़्यादा ही इसकी तारीफ कर रही हूँ, बट नीचे से आपको मैं दिखा दूँ कि कितनी ज़्यादा फ्लेयर है। सो आप देख लो इतनी आपको इसमें फ्लेयर मिलने वाली है। तो जब दोनों लेग्स मतलब आप खड़े होते हो तो कैसा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। मुझे आउटफिट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड इसके साथ जो दुपट्टा आया है वो भी बहुत ही प्यारा है, ये सिल्क फैब्रिक में है। एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब लिटरली बहुत ही प्यारा है, क्योंकि एक तो ये बेसिक कलर्स है, सॉलिड कलर है, तो आपको मिक्स एंड मैच में भी काम आएगा। एंड जो इसका फैब्रिक का जो टेक्स्चर है ना, वो बहुत ही सुंदर, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। अभी मैंने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है, मैं इस पर भी डाल लूँगी ना, तो बहुत ही प्रिटी लगेगा, बहुत ही ना एकदम एलिगेंट लुक देगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो नीचे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, एक गोल्ड सिंपल सी इस तरीके का मिलेगा। एंड इसमें ना थ्रेड टैसल्स भी है। सो ये पूरा कम्प्लीटली जब आप इसे स्टाइल करके ट्राई ऑन में देख पा रहे हो, स्टाइल करके जब आप इसे मतलब स्टाइल करोगे ना, तो बहुत ही सुंदर लगेगा एंड काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आउटफिट कैसा है। नेक्स्ट आउट भी एक अनारकली ही है। इस पूरे हॉल में मैंने कुछ इस तरीके के ही कपड़े रखे हैं अनारकली जैसा। एंड ये टू पीस सेट के साथ आता है। सो फ्रंट इसका जो अपर बॉटम है वो देख लेते हैं, टॉप देख लेते हैं, सॉरी कुर्ता देख लेते हैं। सो ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, डार्क ग्रीन है। एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कलर्स इसमें अवेलेबल थे। फर्स्ट मैं बता दूं कि इसका जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट पे है, सो इसीलिए काफ़ी लाइट वेट एंड काफ़ी फ्लोई एंड काफ़ी डिसेंट लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। एंड कलर ऑप्शन इतने सारे हैं ना कि आप उसमें से कुछ भी जाके ऑप्ट कर सकते हो, बट मुझे ये बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। डार्क ग्रीन है, काई कलर है, बहुत ही प्यारा है। इसका जो नेक लाइन है ना, कुछ इस तरीके का वी यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड अंगरखा पैटर्न है, लेकिन ये ना सिर्फ पैटर्न है, ये इस तरीके का पैटर्न बनाया गया है, ये ओपन नहीं होगा। एंड उस पर प्लेन पे इस तरीके का ना आपको जिगजैग एंड गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड साइड में ना आपको इस तरीके के टैसल्स मिल रहे हैं, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इसके जो टैसल्स है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्रॉपर एथनिक वाले वाइब्स आएंगे जब आप इसे वेयर करोगे ना, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही प्रिटी इसके टैसल्स मुझे लगे। एंड लॉन्ग है, नीचे तक आ रहा है, तो पूरा का पूरा अट्रैक्शन जो है ना ये टैसल्स लेके जा रहा है। सो बहुत ही प्रिटी है। एंड जॉर्जेट फैब्रिक है, तो पूरे ही कुर्ते पे आपको मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आपको इस पे लाइनिंग मिल जाएगी। एंड लाइनिंग भी ना आपको ठीक ठाक मिल रही है, अच्छी मिल रही है, मिक्स फैब्रिक है, बट आप कंफर्टेबल रहोगे आप इसमें, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्या वेयर कर लिया, काफ़ी कंफर्टेबल एंड काफ़ी सुंदर सा है। एंड नीचे आते हुए आपको फ्लेयर में दिखा दूँ, ये अनारकली है तो बहुत ही सुंदर है, बट ये जो अनारकली है ना इसमें वो सेक्शन वाइज जो कपड़े स्टिच करके बनाए होते हैं वो नहीं है, पूरा का पूरा इस तरीके का फ्लेयर है। एंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही फ्लोई लाइट वेट है। एंड आप ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके जो स्लीव्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा 3/4, जिस पे लाइनिंग नहीं दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे अगेन उसकी ना गोल्डन कलर के गोटा पट्टी से डिटेलिंग की गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बैक से कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड आपको इसमें से मैंने जैसे बताया ना बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप कोई भी जाकर के चूज़ कर सकते हो। इसके साथ मुझे इसका दुपट्टा आया, दुपट्टा सेम फैब्रिक का रखा गया है, वही कलर है। एंड उस पर आपको सिर्फ इस तरीके के गोटे पट्टी की ना डिटेलिंग मिल जाएगी, सॉलिड कलर में है, तो अगेन किसी भी आउटफिट या कहीं भी मिक्स एंड मैच में भी काम आएगा। एंड दुपट्टा जो है ना काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा है, अच्छा जॉर्जेट है, तो आपको पता ही है लाइट एंड काफ़ी फ्लोई भी हो जाता है, सुंदर भी लग रहा है, क्योंकि इसके साथ जो इन्होंने गोल्डन कलर की इसके साथ उसकी हाईलाइटिंग की है ना, डिटेलिंग करके रखी हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड इसके चारों ही साइड्स पे आपको ये वाली गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाएगी। आप इसके साथ चाहो तो इसी सेम कलर का बॉटम वेयर कर लो, या नहीं तो आप वाइट भी स्टाइल कर सकते हो, अच्छा लगेगा। एंड ये कुर्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड बहुत बहुत लंबे टाइम से मैं इसे लेने का सोच रही थी, फाइनली मैंने मंगा लिया है। बहुत ही प्रिटी सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा ये ग्रीन है, और डिफरेंट सा ग्रीन है। एंड
मैं इसके बारे में जितना बोलूँ कम है। मुझे ये इतना पसंद आया कुर्ता ना, इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही सुंदर लगा। एंड ब्रांड इसका ये जिनासा से है, एंड इसका जो फैब्रिक है वो ना शिफॉन काइंड ऑफ फैब्रिक है, बट उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये ऊपर से ना इस पर विविंग्स के साथ एक पैटर्न बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इसका जो कलर है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। सो इसके नेक लाइन की हम बात कर लेते हैं, आपको ये वी नेक का मिल जाएगा। एंड वी नेक के साथ यहाँ पे जो है ना इसका जो पैटर्न है बहुत ही डिफरेंट है। इस पे जो पैटर्न बनाया गया आपको आई थिंक कैमरे में विजिबल होगा, यहाँ से ये अप साइड पे है, ये जो कट स्टिच है वो थोड़ा अप से है। एंड बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा एंड स्टाइलिश, आप बोल सकते हो ना बुटीक स्टाइल काइंड ऑफ ये ना कुर्ता है। एंड इसके वेस्ट लाइन पे यहाँ पे आपको गैदरिंग मिल जाएगी फैब्रिक की, बहुत ही सुंदर तरीके से ना गैदरिंग मिल रही है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक शिफॉन है, तो अंदर उन्होंने लाइनिंग प्रोवाइड करवाई है। एंड जो लाइनिंग की जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा मलमल कॉटन उन्होंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाएगा जिसपे लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। एंड ये जो कुर्ता है ना आपको मिडल लेंथ का मिल जाएगा, सो अच्छा है स्टाइलिंग के लिए। आप इसे डेनिम के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप किसके साथ ना वाइट कलर के बॉटम के साथ भी स्टाइल करोगे, मैंने वाइट के साथ करा है, आप किसी भी डिफरेंट बॉटम के साथ भी इसे स्टाइल कर सकते हो या विदाउट बॉटम भी स्टाइल कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा ना मैं यहाँ पे पिक्चर आपके यहाँ पे अटैच कर दूंगी बॉटम के साथ एंड विदाउट बॉटम। सो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बैक पे कुछ ये ना इस तरीके का दिखेगा, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें भी ना पैटर्न भी डिफरेंट थे और कलर्स में भी और भी डिफरेंट थे, बट मैंने ये वाला ऑर्डर करा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। सो नेक्स्ट आउटफिट मेरा पर्सनल फेवरेट है, सो मुझे ये ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है, आप समझ गए होंगे। यस, ये W का कुर्ता है एंड बहुत ही प्यारा मस्टर्ड येलो कलर का आपको ये कुर्ता मिलने वाला है, एक सेकंड। एंड जो इसका पैटर्न है ना ये प्रॉपर जो फेस्टिवल्स वगैरह पे यूज़ होने वाले हैं ना उस तरीके के प्रिंट एलिमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, सो आप इसे ईजिली स्टाइल कर सकते हो अपकमिंग किसी भी फेस्टिवल पे, आप करवा चौथ पे भी इसे पहन सकते हो। बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा स्टाइल नहीं करने का मन होता है, या बहुत कई बार होता है ना कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, हमें बाहर जाना है एंड हमें कुछ, या फिर आप मॉर्निंग में भी करवा चौथ के मॉर्निंग पे भी आप इस तरीके के कुर्ते को अच्छे से पहन के स्टाइल कर सकते हो। करवा चौथ के अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप किसी में भी इस कुर्ते को आसानी से स्टाइल कर सकते हो। फैब्रिक इसका ना कॉटन है बट ना मिक्स है, मतलब थोड़ा सा ना इसमें कैसा बताऊँ मैं, फैब्रिक तो नहीं पता चल रहा है यार, मुझे नाम नहीं आता रहा, चलो ठीक है। सो बहुत ही प्यारा सा ये आपको ना येलो कलर का कुर्ता मिल जाएगा, फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही प्यारा सा कॉटन है और डिफरेंट टाइप का इस पर ना खड़ा सा ये जो फैब्रिक है ना थोड़ा खड़ा खड़ा है, कॉटन में बट खड़ा खड़ा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड ऑल ओवर कुर्ते पे आपको ना इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। फर्स्ट तो इसका नेक लाइन मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे ये आपको कॉलर वाला स्टैंडिंग कॉलर वाला पैक नेक मिल जाएगा एंड यहाँ पे ना इन साइड से हुक का क्लोजर मिला हुआ है एंड सारे के सारे ही ना फंक्शनल है, आपको यहाँ तक हुक्स मिल जाएगा, हुक्स का क्लोजर, तो इजी टू वेयर भी है। एंड इस पर आपको ना बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको ना इसके नेक लाइन में डिटेलिंग दिख रहा होगा, बहुत ही फाइन आपको यहाँ पे सीक्वेंस मिल जाएगा एंड थ्रेड वर्क एंड कॉइंस वाले जो होते हैं ना सीक्वेंस, उसका यूज करके इसकी डिटेलिंग की गई है, आपको दिख रहा होगा जैसा कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड काफ़ी नीट तरीके से किया गया है, तो बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। एंड यहाँ पे वेस्ट लाइन पे यहाँ पे फैब्रिक की आपको गैदरिंग मिल जाएगी एंड ऑल और कुर्ते पे आपको ना ये गोल्ड प्रिंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, नीचे आपको ना प्रिंटेड बॉर्डर भी मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, आपको बॉर्डर मिल जाएगा एंड फ्रंट एंड बैक पूरे ही साइड पे आपको ये इस तरीके का ना प्रिंट मिलने वाला है। स्लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो अगेन आपको वही प्रिंटेड स्लीव्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे उन्होंने ना हाफ ऑर्गेंजा फैब्रिक से उसकी हाईलाइटिंग की हुई है एंड इधर पे बहुत ही सुंदर उन्होंने बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी करके रखा हुआ है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर उसका मुझे स्लीव्स लगा। और यहाँ पे भी उन्होंने ना थ्रेड वर्क एंड सीक्वेंस का वर्क करके रखा है, तो जो सेंटर पे जो इसके जो स्लीव्स है ना जब वेयर करोगे तो इस तरीके से सेंटर पे ये पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी दिखेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
एंड सेकंड क्योंकि फैब्रिक आपको यहाँ पे सी थ्रू मिलने वाला है ना, तो उसके साथ आपको एक लाइनिंग मिलती है, तो जो उसका स्लिप ऑन है ना वो कुछ इस तरीके से है। आप बहुत ही बेसिक प्लेन स्लीवलेस कुर्ता टाइप का है, आप इसे ऐसे तो वेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजी है, बट ये ना आप इसे अलग भी कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो। सो इस तरीके का स्लीवलेस मिल जाएगा, इसका स्लिप ऑन साथ में आपको मिल रहा है एंड अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। सो ये नीचे कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। सो यही था आज का मेरा हॉल। आई होप कि आपको मेरे वीडियो या मेरे कंटेंट पसंद आते हो। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे कंटेंट या इनमें से कुछ भी पसंद आता हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।